खाने के लिए पहले बढ़ा
बहुत मज़ा आया। आई थिंक मैं बचपन में जब मेरी मॉम पिन्नी बनाती थी तब उनकी हेल्प करती थी मैं, तो उसके बाद अभी मैंने ट्राई किया है। बट ऑफकोर्स फिल्म के दौरान इरफान सर एंड दीपक सर ने तो ट्राई किया ही था, वो क्योंकि मिठाई की दुकान चलाते हैं तो वो थोड़े एक्सपर्ट होंगे, बट मैंने अभी ट्राई किया है पहली बार। बट या बहुत मज़ा आया। So when the storyline came to us, the story has a very beautiful message. If you see, the content is about beti padhao, how a common man does anything jo apni beti ko padhane ke liye. So we connected really well, and the movie spreads a lot of joy. It's a very happy movie, and so we also want to spread a lot of sweetness basically, and that's how we connected. And with this, I mean, the message is very good with the movie. I hope you guys all enjoy it. Also, क्या हुआ है, actually हमारी families भी बहुत पहले से एक सबको जानती हैं, और दिनेश साहब भी घर पहले factory आते थे बचपन में, वो कोल्ड रूम के अंदर जाके अपनी मिठाई चूज करते थे, तो डैडी के साथ उनका रिलेशन ही अलग रहा है। सो हम लोग को वी आर वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड ऐसे इतने बड़े फिल्म के साथ विच हैज़ सच अ ब्यूटिफुल मैसेज, फादर और बेटी का प्यार, एक बेटी को पढ़ाने के लिए क्या आदमी करता है। तो वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड वी होप यू ऑल एंजॉय द मूवी एज मच एज वी रियली एंजॉयड इट। सारी पसंद है मुझे, रसगुल्लियाँ, छोटी वाली रसगुल्लियाँ, और जलेबी, और रबड़ी, और अभी मत करो मैं चीट नहीं कर पाऊँगी मत सोचवा, बट मुझे सब सारी मिठाइयाँ बहुत पसंद है। बट हाँ, ये सारी मेरी फेवरेट है जो मैंने अभी बताई आपको। थैंक यू। मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोगों से इतना प्यार मिला है, एंड कल हमारी मूवी ऑडियंस के हाथों में जाएगी, आई होप उनसे भी उतना प्यार मिले। बट आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, थैंक यू आपने इतना प्यार दिया मुझे, एंड मूवी को इतनी अच्छे से स्वीकार किया, एंड बस मैं बस चाहती हूँ कि ऑडियंस भी उतना ही प्यार दे।
जी कभी मकसद ये नहीं था कि उनके सामने उभर के आना है या कुछ है, बस बहुत ऑनेस्टी के साथ कैरेक्टर प्ले करना था, यही सोच के गई थी. ये नहीं सोचा था कि अरे इनके सामने तो मैं दिखूंगी नहीं तो मैं ओवर कर देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं था. बस दिल से काम किया है, ऑनेस्टी के साथ काम किया है. आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि मैं थोड़ा उनके सामने दिख रही हूँ तो थैंक यू, बट मोटिव वो नहीं था. मोटिव बस इतना ही था कि ऑनेस्टी के साथ अपना कैरेक्टर निभाऊं. मुझे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बिलीव नहीं हुआ था कि दी अमिताभ बच्चन जी पहुँच गया है. बट आई थिंक इतना स्पेशल मोमेंट था वो मेरे लिए. मतलब मैं उसको सोने से पहले, खाते वक्त, हर जगह देखी जा रही थी उस पोस्ट को. मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ था. बहुत स्पेशल मोमेंट था. सो थैंक यू सर. आप बताइए और कौन कौन सी क्वालिटीज मिठाई में आप प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, जैसा कि दिनेश जी जैसा कि बचपन से आपकी दुकान पर आते हैं, लोगों को लोग बहुत ही पसंद करते हैं, और कौन कौन से आर्टिस्ट आते हैं या और कौन कौन सी क्वालिटी आप अपने मिठाइयों में रखते हैं जिससे लोगों को आकर्षित कर सकें? सो घसीटा राम, एक्चुअली हिस्ट्री बताता हूँ, इट्स अ 104 ईयर ओल्ड ब्रांड. सो दिस इज, आई एम द फोर्थ जनरेशन इन बिजनेस एंड वी बीन कैरिंग आउट दिस बिजनेस फॉर सो मेनी ईयर्स एंड वी स्पेशली टेक केयर अ लॉट ऑफ ऑन द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड एवरीथिंग. सो वी डोंट कॉम्प्रोमाइज एनीथिंग ऑन द क्वालिटी. एंड बॉम्बे में जितने भी एक्टर्स हैं हमने उनको मिठाइयाँ खिलाई है एक्चुअली. तो मोदक से लेकर के लड्डू से लेकर के बंगाली मिठाई, सो सबको पसंद है काफ़ी घसीटा राम का नाम. जी यार, मैं आई थिंक हिंदी मीडियम में हमने बहुत ब्यूटीफुली इस चीज़ को एड्रेस किया था. मैं वो चीज़ रिपीट नहीं करना चाहूँगी. बट अगर हम एडुकेशन के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी जो फैसिनेशन है विद स्टडिंग अब्रॉड, हम उस चीज़ को इस फिल्म के अंदर एड्रेस कर रहे हैं. तो इट इज़ ना लेस ऑफ द एडुकेशन सिस्टम विच इज़ देयर इन इंडिया, बट मोर ऑफ दिस ठप्पा कि बाहर जाके पढ़ेंगे तो मतलब हम कूलेस्ट इंसान हैं इस दुनिया के. सो उस चीज़ को ज़्यादा एड्रेस कर रहे हैं, जिस जो आपके बाकी क्वेश्चन हैं उसमें सॉल्व हो जाएंगे. देखना ज़रूर. जी जी सबका एक अपसाइड है, सबका एक डाउन साइड भी है. हमने मूवी के अंदर देख ही लिया, अगर आपने कल स्क्रीनिंग देखी तो आप समझ में भी आ रहा होगा कि उसके रेपरकशंस क्या क्या हैं. तो वो आपकी चॉइस है, आपकी पर्सनल डिसीजन है कि अगर आप उस तरफ जाते हैं तो आप ये परिणाम फेस करेंगे, तो आपको करना है कि नहीं. और अगर आप नहीं करते तो आपको पता है कि क्या होता है. तो वो आपका पर्सनल चॉइस है कि आपको कौन सी लाइफ जीनी है. मिठाइयाँ आती है तो हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. जैसे राधिका ने कहा कि मुझे बहुत सारी मिठाइयों के नाम लेने पे ऐसा मन कर रहा है कि खा लूं मैं जी. लेकिन वो अपनी डाइट को ध्यान में रखते हुए बीइंग एन लाइक एक्ट्रेस है, आप वो खा नहीं सकती बहुत सारी मिठाइयाँ. तो आप लोग क्या केयर करते हो? तो अब एक्चुअली हमने एक शुगर फ्री रेंज भी चालू की है, विच इज़ नॉट स्वीटेंड आर्टिफिशियली, इट हैज़ बिन स्वीटेंड विद स्टीविया. तो वो क्या है, बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, हेल्थ कॉन्शियस भी ले लेवे, डायबिटीज़ के लिए भी गुड है. तो दैट इज़ देयर नाउ. थैंक यू, प्लीज मेरे घर पे भिजवाइए. फ्री रेंज यू विल गेट इन शुगर फ्री. श्योर. आप लोग कौन सी खाएंगे पहले आप बताइए, आप कौन सी वाली खाएंगे? हम वही खोलेंगे. बताओ आपको मोदक खानी है या क्या खानी है, कौन सा खोले बताओ. मेरे हाथ की बनी नहीं खाओगे या ये खाओगे? हाथ की बनी हुई. चलो टेस्ट कर लो हाथ की बनी. ये वाला बताओ यार, जल्दी बताओ. एक
आ जाइए प्लीज लीजिए थैंक यू थैंक यू हो गया गाइस थैंक यू चलो अरुण मेरे हाथ में धोए थे ना मेरे धोए थे बहुत अच्छे थे इधर से लेके सर को नहीं पता अरे रुको जरा अरे तुम बहुत फ्रेम खराब राधिका जी यहाँ पे देखो राधिका जी यहाँ कॉल थैंक यू क्या कर रहा है क्या ऐसा खड़ा है हाँ झालं झालं गाइस थँक्यू सो मच बाय येस आई थिंक